याद कीजिए दोस्तों, 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, यह परिणाम उम्मीद से परे हैं। और इस बार योगी आदित्यनाथ ने इस बार सपा के दोनों किले भेद करके अखिलेश यादव से अपना पुराना हिसाब चुकता कर दिया है। दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। जी हाँ, 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। वहाँ कमल खिल गया है। समाजवादी पार्टी के खाते में रही दोनों लोकसभा सीटों पर अब भगवा पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव की सीट रही आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत ली है, और वहीं आजम खां की सीट पर घनश्याम सिंह लोधी ने बाजी मार ली है। चुनाव के ये नतीजे सपा के लिए काफ़ी निराशाजनक हैं। वहीं बीजेपी की इस जीत से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से अपना 4 साल पुराना हिसाब चुकता कर लिया है। 4 साल पहले ऐसे ही योगी आदित्यनाथ की सीट खाली की गई सीट पर अखिलेश समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद योगी की काफ़ी किरकिरी हुई थी। अब योगी आदित्यनाथ ने अपना जो बदला है वो पूरा कर लिया है। राजनीति में हार जीत लगी रहती है और ये बदला चुकाने वाला जो काम होता है वो भी चलता रहता है। 2018 के मार्च में हल्की सी सर्दी में तब उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल काफ़ी गर्माया हुआ था, और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के ताज़ा मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने अपनी गोरखपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी फूलपुर लोकसभा सीट छोड़ दी थी। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ था, और उसके बाद जो हुआ उसे बीजेपी न तो कभी याद करना चाहती है ना फिर कभी उसको भूली थी। वो उसके लिए एक बहुत बड़ा कहिए कि सदमा था। गोरखपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता उपेंद्र शुक्ल को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के प्रत्याशी परवीन निषाद को अपना समर्थन दिया। चुनाव के नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया। एसपी समर्थित प्रत्याशी ने योगी के गढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी को 21,881 वोटों से हरा दिया। योगी के लिए ये हार बचा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कर क्या सकते थे। पार्टी ने तब ये कहा था कि अति आत्मविश्वास की वजह से गोरखपुर की सीट हाथ से निकल गई। ठीक यही हाल फूलपुर लोकसभा सीट का रहा। यहाँ से चुने गए केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार में डेप्यूटी सीएम बनाए गए। इसके बाद उन्होंने फूलपुर सीट खाली कर दी थी। इस सीट पर चुनाव में बीजेपी ने कौशलेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। नतीजे आए तो सपा के प्रत्याशी ने 49,613 मतों से जीत हासिल की थी। अब बीजेपी को 2,83,000 वोट मिले, जबकि सपा के नागेंद्र पटेल को लगभग 3,42,796 वोट हासिल हुए। गोरखपुर और फूलपुर सीटों पर हार से बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक भी था, बहुत बड़ा झटका भी था। दोनों ही सीटें बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। हालांकि 1 साल बाद ही लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन उपचुनाव में हार की टीस नहीं गई थी। अब उसके 4 साल बाद आजमगढ़ और रामपुर में ठीक वही स्थिति बनी। अखिलेश यादव और आजम खान समाजवादी पार्टी में योगी और केशव के सम पैरेलल कहिए उन्हें माने जा सकते हैं। और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों ने अपनी सांसदी छोड़ी और विधायकी बरकरार रखने का फैसला किया। रामपुर और आजमगढ़ में अब चुनाव होते हैं। आजमगढ़ में बीजेपी ने निरहुआ को और रामपुर में घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया। अखिलेश ने अपनी जगह आजमगढ़ की सीट धर्मेंद्र यादव को सौंपी और रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम रजा को चुनाव लड़ाया। दोनों ही सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही थी, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम बहुल सीटें थी और सपा का गढ़ मानी जाती थी। लेकिन जब नतीजे आए तो साल 2018 के उपचुनाव के नतीजों की तरह चौंकाने वाले रहे। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार मिली, दोनों ही सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया। तो दोस्तों,
इस समय योगी भी उस दौर को याद कर रहे होंगे और अखिलेश भी उस दौर को याद कर रहे होंगे, लेकिन दोनों के याद करने में बहुत फर्क है। योगी ने अपना हिसाब बराबर कर लिया अखिलेश से और अखिलेश इस समय हाथ मल रहे हैं। तो दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।